हम बना दे नीचे बैठा लेगा और होता है दोस्तों। हमारा झारखंड के जंगल में आकाश जादव जी का स्वागत है। अभी हम लोग इस जंगल में चढ़ रहे हैं। अभी यहाँ तो घना जंगल नहीं, ऊपर तक हो सकता है घना जंगल। और इस जंगल में बहुत खतरनाक, अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर पागल हत्या हुआ था गांव में, बहुत ज़्यादा सारा घर का तोड़ दिया है। और हम लोग चढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग ट्रैकिंग करेंगे जंगल में। और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों जो भी हमें रास्ते में मिलेगा उसकी हम जानकारी देंगे, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो कोई जानवर हो, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमारा चैनल बापी दा स्नैक एक्सपर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सांपों से जुड़ी हर जानकारी यहाँ पर आप सबको हम बताते हैं। अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। और आकाश जी का चैनल में जो भी जितने भी इनका सब्सक्राइबर है, आप सभी से अनुरोध है कि हमारा चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके देखें और वीडियो देखें। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों चले। की जो बस्ती है नीचे, उन्होंने बताया था कि एक पागल जो हाथी है ऊपर से नीचे की ओर आया था और उन्हें सब तोड़ ताड़ दिया था ना। फिर वापस फॉरेस्ट वाले लोग जो है, वन विभाग वाले, उन्होंने उसको पकड़ करके फिर दोस्तों ये देख रहे हैं कि कॉमन क्रेट है, इंडियन कॉमन क्रेट। ये एक्चुअली रात को ही निकलता है, लेकिन ये हम लोग कहीं हो सकता है बैठा था, हम लोग का जो बॉडी का वाइब्रेशन है, पैर का वाइब्रेशन, वो सुन के ये भाग निकल रहा था, लेकिन नज़र में आ गया। इस सांप को जो हम लोग यहीं पर जाना देंगे, छोड़ देंगे। जस्ट इसके बारे में दोस्तों बता रहे हैं कि इंडियन कॉमन क्रेट, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये ज़्यादातर घर के आसपास ही मिलता है, लेकिन बगल में बस्ती है, हो सकता है वहाँ से आ गया है। और ये साइलेंट किलर इसीलिए बोलता है, इसका दांत बहुत तीर जो है बहुत पतला होता है, और जब काटता है आदमी इंसान को पता भी नहीं चलता कब काटा। और शरीर में इसका जो है, पेट में ऐंठन होगा, दर्द होगा, शरीर में जलन होगा, उसके बाद जो है उल्टी वॉमिटिंग होने लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसका काटने का जो मार्क है वो पता ही नहीं चलता, इतना पतला होता है कि आपको खाली आँख में बहुत समय दिखाई नहीं पड़ता है, और सिंगल मार्क होता जाता है। डबल मार्क तो होता है लेकिन सिंगल मार्क भी होता है। और ये इसमें कॉमन न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसके कारण ये न्यूरो में अटैक करता है और नर्व में अटैक करता है। उसके बाद पेशेंट जो है धीरे धीरे वो जो है कोमा में चल जाता है। कोमा में जाने के बाद जो है ये कभी कभी 3 दिन 4 दिन तक कोमा में रहता है, कभी 6 दिन तक कोमा में रहता है। छोटा बच्चा है 6 दिन तक कोमा में रहता है। अगर वेंटिलेशन में नहीं है तो पेशेंट बचना असंभव है। तो बताइए, यहाँ पर बापी दा जी ने इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे दी। अब मैं क्या बताऊँ, बस इसका महाराष्ट्रीय नाम बताऊँगा। महाराष्ट्र में इसे मनियार नाम से जानते हैं और ये लेट नाइट मूवमेंट करता है, नाइट में ज़्यादातर निकलता है। और दोस्तों आप इसकी पहचान देख सकते हैं, ऊपर से पूरा काला दिखाई देता है। जो अदर सांप होते हैं वो ज़रा हल्के से पीले, हल्के से चॉकलेटी ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं, लेकिन ये सांप बहुत ही अलग होता है। पूरा ऊपर से काला दिखाई देगा जिस तरह हमारे बाल है, और उसके ऊपर गर्दन से लेकर थोड़ा छोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर के पूंछ की नोक तक हमें दुहेरी जोड़ी में सफ़ेद पट्टे दिखाई देते हैं। इसे ही कॉमन क्रेट कहा जाता है। ये काफ़ी बड़ा साइज में, शायद जंगलों में बड़े बड़े मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि हम जब रेस्क्यू करते हैं तो जो गाँव में घर के अंदर मिलते हैं वो सांप काफी छोटे मिलते हैं, लेकिन ये जंगल में है तो मुझे लगता है फुल साइज में है ना। ये काफी बड़ा है। 2 कैरेट है ये कॉमन कैरेट, और इसी तरह होता है जिसको वाल सेन कैरेट कहता है, और उसको डबल धारी नहीं होता, सिंगल धारी होता है। वाल सेन कैरेट जो है नीचे से हल्का पीला दिखाई देता है, हल्का पीला दिखाई। ये तो ये नॉर्मल पीला दिखाई देता है हल्का से, और सफेद दिखाई देता है, लेकिन वाल सेन कैरेट जो है वो पूरा का पूरा नीचे से पीला दिखाई देता है। तुरंत वो समझ में आता है। दोस्तों महाराष्ट्र में है, ये बहुत जगह पर पाया जाता है, ऑल महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इसे महाराष्ट्र में मनियार नाम से जानते हैं। मनियार ये कुछ खाया था लगता है, पेट उल्टी कर कोशिश। इसको हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर बाइट किया और वेनम भी छोड़ा है, हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अभी इसको काट रहा है, तुरंत छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसका पर्यावरण में इसका सही आवास जहाँ पर ये सुरक्षित रहेगा दोस्तों। देखिए किस तरह जा रहा है जंगल में। मस्त है। पैर करने लगा कितना दोस्तों, काफ़ी देर से हम जंगल में घूम रहे हैं और लगभग अभी 3 घंटे हो चुके हैं खोज रहे हैं। तो चलिए और थोड़ा 1-2 घंटा खोजते ही मिला तो सही बात है। चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और ऊपर की और बहुत ही और घना जंगल है। बहुत ही थक चुके हैं। अभी हमने जो खाने के लिए लाया तो खा लिया, पानी भी हमारा ख़त्म हो गया। तो और थोड़ी देर ऊपर जाकर देखेंगे मिलता है हमें तो ठीक है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि बहुत उमस है, अब बहुत गर्मी है और हम लोग पानी लाए थे। हम लोग लगभग 5 बोतल पानी पी चुके हैं और ऊपर से जो खाना हल्का फुल्का लाए थे क्योंकि हमको नहीं लगा था इतना समय लगेगा। और खाना भी ख़त्म हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया। देखिए, चलो चलो आगे चलते हैं। आगे छोड़ देखिए, चलो चलो जल्दी चलो। अरे इधर देखो, ऊपर 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 क्या है? हाँ यार, इधर इधर इधर। अरे यार, बहुत ज़बरदस्त। ये वाइन स्नेक नहीं है लेकिन बैम्बू पिट वाइपर है। बैम्बू पिट वाइपर देखो यहाँ पे। अभी देख, ठीक से दिखाई नहीं देगा, कैसे निकालना? हाँ, थोड़ा निकालना होगा उसको, फिर निकालना पड़ेगा। क्या इसको डाली खाऊंगा, ये करना हिला बैम्बू पिट वाइपर नहीं लगा। दोस्तों, हमें यहाँ एक बैम्बू पिट वाइपर दिखाई पड़ा है लेकिन क्लियर नहीं है कौन सा सांप है। हो सकता है वाइन स्नेक है, लेकिन देखिए देखिए एकदम ऊपर में। हाँ हाँ हाँ, बोला ना। देखिए दोस्तों, ये बैम्बू पिट वाइपर हमें ये पेड़ से मिल गया। देखिए दोस्तों कि ये समझ में ही नहीं आता है, अगर बत्तियों में होता है तो समझ कैमरा में पता चल गया, इसीलिए तो हमें पता ही नहीं चलता। काल हम लोग जो छोड़े उससे थोड़ा सा बड़ा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है। लगा है कुछ, ठीक है। दोस्तों, इसका नाम बैम्बू पिट वाइपर महाराष्ट्र में चापड़ा नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी पहचान बहुत ही आसान है। पूरा ग्रीन दिखाई देता है और हल्का सा काला काला दिखाई देता है। आँख देख सकते हैं आप, उसका आँख जो है ध्यान से देखिए। आँख की पुतली जो है सीधी दिखाई देती है, लंबी, राउंड नहीं होता इसका। ये ग्रीन पिट वाइपर बैम्बू पिट वाइपर नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में इसे चापड़ा नाम से जानते हैं। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि वो ग्रीन दिखाई देता है और उसके ऊपर हल्के से काला काला दिखाई देता है और आंखों की पुतली जो है उसकी सीधी दिखाई देती है और मुंह जो है आप देख सकते हैं पत्ते की तरह दिख रहा है। जिस तरह पत्ता होता है ना छोटा, उसी तरह उसका मुँह दिखाई देता है। ध्यान से देखिए। और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में है ना, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और कभी कभार ये पहाड़ी इलाकों के आसपास जो बस्तियाँ होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों पर दिखाई देता है, तब ये रेस्क्यू का कॉल आता है। लेकिन इसका रेस्क्यू का कॉल आना बहुत ही रेयर होता है। इसको अगर देखना हो, जानना हो, खोज करना हो तो यहाँ जंगल में आना पड़ता है, पहाड़ में मिलता है। तो इसको हमने यहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया हुआ, इसका बस पकड़ लिया है, देखा है, फिर इसको हम यहाँ पर जंगल में छोड़ने वाले हैं। ग्रीन वाइन स्नेक का और इसका अंतर जो है, इसका मुंह जो है आप देख सकते हैं पत्ती की तरह है लेकिन लंबा नहीं है। जो ग्रीन वाइन स्नेक लंबा होता है बहुत ही, और वो निकला हुआ रहता है, हाँ, सेमी वेनमस होता है ना, और इतना बड़ा आँख नहीं होता है उसके जैसा। और उसकी पूंछ जो है काफी लंबी होती है, इसकी पूंछ आप देख सकते हैं। इसका टीथ भी बहुत लंबा है, इसका जो टीथ होता है लांत, इसका सिर के अनुसार, इसका बॉडी के अनुसार बहुत बड़ा होता है, कोबरा से बड़ा होता है इसका टीथ। दोस्तों अभी ये वीडियो है, इसके ऊपर आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिया जाएगा, आप उसको देखकर इसको समझ सकते हैं कि किस तरह दोनों में अंतर है। ये जहरीला सांप होता है, बहुत ही हाईली वेनमस होता है, और जो ग्रीन वाइन स्नेक है जिसका हमने फोटो स्क्रीन पर दिखाया वो सेमी वेनमस होता है, कम जहरीला। उससे बड़े इंसान को, प्राप्त वयस्क को जो है वो मार नहीं सकता, लेकिन छोटे बच्चे को, 6 साल का नीचे बच्चे को अगर काट ले तो स्वेलिंग हो सकता है, सूजन होगा, वोमिटिंग हो सकता है, लेकिन उससे भी मरने का चांस कम होता है, इलाज होता है तो नहीं मरेगा। तो फिलहाल के लिए इस पर ही इसको हम छोड़ देते हैं। चला जाएगा दोस्तों, चला जाएगा। ये पूरे पत्ते की जैसा है, हम लोग जो अभी ट्रैक कर रहे थे पहाड़ में, कहीं कोई पत्थर से कोई चीज़ से हम लोग लग गया, हम गिर गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा जल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बाल था इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जल रहा है। इसको हम लोग पत्ता बोलते हैं, ये पहाड़ी लोग जो है देख रहे हैं, इस पत्ता, ये पत्ता को अगर ये इसका, हाँ, इसका रस अगर लगा देते हैं, ब्लड भी बंद हो जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है ये, हाँ, एंटीसेप्टिक का काम करता है, बहुत जबरदस्त देखना इस पत्ते को। हाँ, इफ कितना भी आपका ब्लड गिर रहा है, कहीं कट गया, इसका रस लगा तुरंत ब्लड बंद हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग लगाएंगे, उस पर जल जो रहा वो थोड़ा जलेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक काम करता है। पहाड़ में जो लोग रहते हैं या चढ़ते हैं, वो लोग इस पत्ता को पहचानते हैं, और इसी पत्ता से कहीं भी कितना भी बड़ा आपको अगर काट जाता है, और खून गिर रहा, वो क्लॉट नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, इस पत्ता को तुरंत वहाँ लगा दीजिए, तुरंत ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा और आपको जो दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मतलब पहली बार जलन होती है ना, पहले थोड़ा जलन होगा, जब आप उसको पीस कर, हाथ पर पीस कर लगाओगे पहले तो जलन होगा, थोड़ी देर जलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहाड़ में जितना भी ये पेड़ पौधा है, सब ये हर्बल दवाई का काम होता है, हम लोग पहचानते हैं। थोड़ा उतरना है, लेकिन मुझे लग रहा है उधर तो कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है और गाड़ी का जो काफ़ी बार भाई है चले पहली बात ये है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उतरने का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आराम करेंगे चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे यहाँ पर दोस्तों ये आकाश जी को एक ग्रीन वाइन स्नेक नजर आ गया। देख रहे हैं ये बहुत एग्रेसिव है और देखिए 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 बहुत एग्रेसिव है ये। देखिए धुआं कैसे मुंह खोल रहा है। कैमरा मैन इधर आइए, कैमरा इधर आइए, कैमरा कैमरा नहीं लगा जाए। स्केल छोड़ रहा है उसका मुंह का पास में आके स्केल फंसा हुआ है। देखिए एग्रेसिव है। देखिए दोस्तों उसका क्यों निकल रहा है पता है। देखिए देखिए एग्रेसिव कैसा है। देखिए आप देख रहे दोस्तों, देखिए ये हम लोग को बचने के लिए ऐसा कर रहा है, वो अटैक कर रहा और हम लोग इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। लेकिन देखिए ये स्किन निकल रहा है। अब अपना स्किन निकालने के बाद ये सर का पास जो है थूथना जो है वहाँ पर फंसा हुआ देख रहे हैं। हम लोग जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये अटैक कर रहा है। देखिए दोस्तों ये ग्रीन वाइन स्नेक ये सेमी वेनेमस कम जहरीला और इसे महाराष्ट्र में हरणटोल नाम से जानते हैं। ऐसे ही तो ये पेड़ पौधों पर ही पाया जाता है, घरों के आसपास कहीं मिलता नहीं। कभी कभार जो पहाड़ी इलाकों के नीचे जो बस्तियां होती है वहाँ पर ये दिखाई देता है किसी घर के आसपास पेड़ पर, तब रेस्क्यू का मौका मिलता है। घर के आसपास आया तो हमें अहमदनगर में सिर्फ ये 2-3 बार मिला है घर के आजू बाजू में। देखिए दोस्तों ये सांप और ग्रीन पिट वाइपर दोनों में अंतर ये है, वो ज़्यादा ग्रीन होता है और इतना लंबा थुथरा नहीं होता है। और इसका और एक खासियत है, उसका जो आईबॉल होता है सीधा मतलब हॉरिजेंटल होता है और इसका वर्टिकल होता है, मतलब इसका आईबॉल जो है ऐसे रहेगा और उसका जो ये रहेगा पिट वाइपर का। और दोनों में है वो वेनमस, फुल्ली वेनमस, ये है सेमी वेनमस। और इसका टीथ जो होता है मुंह के एकदम पीछे जैसे हाँ आप आंख देख रहे हैं, इस आंख का नीचे इसका टीथ है जिसका कारण ये जल्दी बाइट नहीं कर पाता है और ये सेमी वेनमस होता है। और ये थूथना देख रहे हैं आप, ये हमेशा जो है फुला के मुँह फुला के डराने की कोशिश करता है क्योंकि इसका पास वेनम नहीं है। देख रहे हैं ये इसी तरह पेड़ में ही रहता है। ये स्केल छोड़ा इसलिए फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ग्रीन। लेकिन ये अभी एट्रैक्ट के मूड है इसलिए बॉडी को ये फुला दिया है और इसलिए ज़्यादा कलर इसका चेंज लग रहा, नहीं तो ये एकदम पेड़ में चलता है, पूरे पेड़ की तरह लगता है, पूरा ग्रीन लगता है। देख रहे हैं तो दोस्तों हम लोग चलेंगे। आज हम लोग को जो इच्छा था ग्रीन पिट वाइपर और ये ग्रीन वाइन स्नेक दोनों हम लोग को मिल गया। दोस्तों बहुत मेहनत हुआ, लगभग हम लोग 3 से 4 घंटा तक हम लोग लगा, हम लोग इस जंगल में घूमे। लेकिन आपको वीडियो लगभग 40 मिनट 1 घंटा कहीं हम लोग देंगे, कहा कि खोजने में हम लोग को 2-3 घंटा लग गया। दोस्तों ग्रीन वाइन स्नेक और बाम्बू पिट वाइपर उसका जो अंतर है आपको समझ में आएगा, वो अलग था। उसका मुंह जो है छोटा दिखाई दे रहा था, आप देख सकते हैं इसका मुंह लंबा है और ये अपना स्किन छोड़ रहा है और लटका हुआ है स्किन उसके मुंह पर। तो ये जैसे स्किन अपना पूरा उतार देगा तो ये पूरा हाँ और भी ग्रीन दिखाई देगा, है ना, और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो चलिए अभी यहाँ सर निकलते, अभी जानकारी भी दी। महाराष्ट्र के लोग जो देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इसे महाराष्ट्र में हमारे पाया जाता है लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर मिलता है। इसे ग्रीन वाइन स्नेक इंग्लिश में और महाराष्ट्र में इसे हरणटोल नाम से जानते हैं। ये कम जहरीला होता है। चलिए चलिए अभी आगे चलते हैं। हाँ नहीं उधर चल जाओ हम बनाएंगे रास्ता। देख रहे मशरूम, ये वो खाने वाला मशरूम नहीं है। मशरूम बहुत तरह होता है लेकिन ये है जहरीला मशरूम है। देखने तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये ज़्यादातर जंगल में जो लकड़ी कटाया जाता है उस लकड़ी में उगता है और ये इसमें देख रहे हैं ये बहुत जहरीला, ये केमिकल भी छोड़ता है जो कि बहुत जहरीला होता है। हाँ, हाथ में आपको अगर लगता है तो वो भी आपको खुजलाता है, इचिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये हम तो सेफ्टी नहीं लिए फिर भी ऊपर यहाँ तक नहीं होता, ज़्यादातर इस साइड में या इस साइड में निकलता है। कोई कीड़ा मकोड़ा भी इसका पास दूरे रहता है। ये देखिए इस तरह केमिकल या इसका जो है रस जो निकल रहा है, ये अगर आपका हाथ में लगेगा तो ये इचिंग होगा, खुजलाएगा बहुत ज़्यादा। और ये मजबूत होता है, थोड़ा टाइट होता है। मशरूम अलग होता है ना? हाँ, ये मशरूम है लेकिन ये जंगली जहरीला मशरूम है। और हम लोग जो खाते हैं मशरूम वो अलग होता है, इस तरह नहीं होता है। दोस्तों हम लोग चलेंगे, आप चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आगे चल करके हम बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए फोटो भेजिएगा तब ना हमको। बापी दा स्नैक एक्सपर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने मेरे चैनल को आप देख रहे हो तो इसका मतलब सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, क्योंकि हम इसी तरह आपको जानकारी वाली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बापी दा जी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे चलकर हम बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बस ये वीडियो आते खिता।